हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 11। इससे पीछे के क्वेश्चन हम दो वीडियो के अंदर कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट देखो, a माइनस बी माइनस सी, टू बी टू सी, टू ए बी माइनस सी माइनस ए, टू सी टू ए टू बी, सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अप्लाई करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस ए आर थ्री, तीनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ए माइनस बी माइनस सी है इसके अंदर, प्लस कर दिया हमने, प्लस से टू बी प्लस से टू सी, प्लस टू बी कर देंगे प्लस टू सी। अब ए एज इट इज आएगा, टू बी में से बी जाएगा प्लस का बी, टू सी में से सी जाएगा प्लस से सी, इसी तरह इसके अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह इसमें आएगा ए प्लस बी प्लस से सी। नेक्स्ट आर टू और आर थ्री हमारे पास सेम रहेंगे। अब टेकिंग कॉमन, कॉमन हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी, किस में से? आर वन में से हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास को a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा वन वन वन, टू बी बी माइनस सी माइनस ए, टू बी टू सी टू सी, सी माइनस ए माइनस बी। अप्लाई कर दिया हमने, अब कि नहीं भी दो एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है, तो उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया सी वन माइनस सी टू। सी वन पे हमने ऑपरेशन लगाया वन माइनस वन जीरो, टू बी माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस से सी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। सी टू माइनस सी थ्री, वन माइनस वन जीरो, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास सेम रहेगा। अब हम इसको उठा के एक्सपेंड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल ये कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, माइनस इसकी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, स्केयर है और ये भी हमारे पास सेम है, इसकी पावर वन है, तो कितनी पावर हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की पावर थ्री। ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड एक्स वाई, जेड वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स वाई, जेड एक्स एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई, फिर वही अप्लाई करेंगे हम, तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे क्या आएगा सी वन एक्सटेंड्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये हमने ऑपरेशन लगाया, तो इसको ऑपरेशन लगाएंगे एक्स इधर है एक्स इधर है, एक्स प्लस एक्स कितना आएगा टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई, और ऑलरेडी टू जेड है ये हमारे पास, तो तीनों में क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, तीनों में सेम आ जाएगा। अब सभी में से टू कॉमन ले लेंगे और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ एलिमेंट क्या बचेगा वन वन वन, इधर सेम रहेगा एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स और एक्स वाई 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 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, फिर ऑपरेशन लगा देंगे कि नहीं भी दो को जीरो करना है, आर वन माइनस आर टू, आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन जीरो, एक्स माइनस करेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी तरह इसमें से वाई माइनस वाई क्या आएगा जीरो, फिर आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन जीरो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास, इसमें से ये माइनस करेंगे सारे नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो एज इट इज रहेगा, फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगी। इसको हम क्या लिख देंगे टू इंटू टू पावर यहाँ पे है वन पावर यहाँ है, कितनी पावर हो जाएगी आपके पास थ्री, इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वन एक्स स्क्र एक्स एक्स वन एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स वन, प्रूव करना है वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्र। इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाया कि तीनों हमारे पास सेम है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री या फिर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं।
ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + x + x2। इसी तरह सेकंड में भी 1 + x + x2, तीनों में सेम आ जाएगा। इधर क्या है, x1 x2 x2 x1। अब पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा, 1 + x + x2, ये हमारे पास कॉमन होगा। हमारे पास कॉमन क्या आया, 1 + x + x2 फ्रॉम C1। C1 में से ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1 1 1। ये एलिमेंट्स हमारे पास सेम रहेंगे। फिर वही ऑपरेशन लगाना है हमें कि नहीं, भी दो को जीरो करने के लिए R1 - R2 and R2 - R3 ऑपरेशन लगा दिया। 1 - 1 जीरो आ जाएगा, x - 1 x² - x आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे भी हमारे पास 1 - 1 जीरो, 1 - x² x - 1, ये हमारे पास 1 x² and 1। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको। पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं, 1 - x हम कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इधर से अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x - 1। तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया R1 में से, और R2 में से हम कैसे कॉमन लेंगे, ये हमारे पास 1 - x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x और 1 + x, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने इसलिए 1 - x 1 + x, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा आपके पास। दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 1 - x² या इसमें से माइनस कॉमन लेके लिया था तो यहाँ क्या बचेगा, -1, या -x आ जाएगा, या 1 + x, इसमें से माइनस कॉमन लेके हमने बाहर ले लिया तो क्या आया, -1 x² 1। एक्सपेंड कर देंगे अब हम इसको, -1 - 1 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई x into 1 + x आ जाएगी। फिर हमारे पास 1 + x + x², ये हमारे पास है 1 - x² और 1 + x + x², इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 - x³ का होल स्केयर। ठीक है, ये हमारे आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² अप्लाई कर दिया हमने। C3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया a से, C3 हमारे पास ये, इसको हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड में भी लिखेंगे, इसलिए हमारे पास क्या आया, 1 by a। ये दोनों एज इट इज रहेंगी, इसकी a से मल्टीप्लाई कर दी क्या है, -2ab - 2a², इसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a - a³ - ab² अब हमारे पास ऑपरेशन लगाया हमने C3 पे ऑपरेशन लगाया C2 + C3, तो हमारे पास ये एलिमेंट जीरो आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास सेम रहेंगे, 2ab - 2ab 0, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 as it is आ जाएगा, -a² है, और इधर हमारे पास क्या बचे, सर प्लस कर रखा है हमने तो प्लस होगा, 2a² में से a स्केयर जाएगा, क्या बचेगा, a² + b² इसमें ये प्लस कर देंगे, क्या आएगा, a - a³ - ab² था, इसमें से अगर माइनस का 2a है, ये प्लस का है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा, -a - a³ - ab². अब हमारे पास कॉमन ले सकते हैं 1 + a² + b² C3 में से, C3 हमारे पास ये था, इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो इसमें से अगर हम -a कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 + a² + b² अब हमारे पास इसके अंदर दोनों के अंदर ये कॉमन आ जाएगा तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 1 + a² + b² हमारे पास क्या है, कॉमन। बाहर हमारे पास a था, ये कॉमन ले लिया, 1 + a² + b² / a, अंदर क्या बचेगा, ये दोनों सेम रहेगी, ये जीरो, ये 1, ये -a। फिर R2 है, जो हमारे पास R2 है, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड में भी लिखेंगे, पहले a था फिर क्या हो जाएगा, a² 1 + a² - b² 2, इसकी a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a² भी इसकी a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी a के साथ है, फिर इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट जीरो, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, R2 +
आर थ्री, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो। इस दोनों को प्लस करके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बचेगा आपके पास। देखते हैं अब इसमें, देखते हैं इसमें भी a है, इसमें भी a, इसमें भी, तो तीनों में से a कॉमन ले सकते हैं हम, इसीलिए हमने इसमें से क्या कॉमन लिया a। इसमें से ये दो जीरो है, इसमें a है तो a कॉमन ले लेंगे हम, तो इसलिए c2 एंड c3 दोनों में से हमने a a कॉमन ले लिया। दोनों में से a कॉमन लिया है तो टू टाइम्स a हो जाएगा, उसको हम क्या लिखेंगे a स्क्वेयर, a स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसल। अब इसका करेंगे इसमें वन प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये एज इट इज रहेगा, इसमें से कॉमन गया टू बी, ये माइनस वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस, और ये क्या बचेगा माइनस टू ए जीरो जीरो माइनस वन। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा, एक्सपेंड करेंगे तो हम इससे एक्सपेंड करेंगे, ये हमारे पास क्या है माइनस वन है, एक्सपेंड करेंगे इधर से ये हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद आएगा। इन दोनों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है उसकी वजह से हम दोनों के साइन चेंज कर दिए पहले ही, तो ये प्लस कर दिया और ये जो अंदर माइनस आना था वो हमने प्लस कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आपके पास ये आ जाएगी, इसको अंदर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सभी को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस बी की फोर प्लस ए की फोर प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्वेयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, इसके होल स्क्वेयर है ये हमारे पास, इसके वन पावर है, इसको इकट्ठा करेंगे इसका क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ए स्क्वेयर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वेयर प्लस वन बी सी ए सी बी सी सी स्क्वेयर प्लस वन हमें प्रूव करना है, वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अप्लाई कर दिया हमने, आर वन को ए से मल्टीप्लाई किया, आर टू को बी से, आर थ्री को सी से मल्टीप्लाई किया। अगर हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो इनको हम डिवाइड में भी दिखाएंगे, क्या लिखेंगे वन बाई ए बी सी डिवाइड में दिखाएं। अब इसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वेयर b a स्क्वेयर c, इसी तरह ए बी स्क्वेयर बी क्यूब, इसकी b से कर रखी इसकी c से। अब तीनों में से देखते हैं हम सी वन सी टू एंड सी थ्री, इसमें से पूरे में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा a, यहां से भी a और यहां से भी a, इसमें से पूरे में से कॉमन क्या आएगा b, इसमें कॉमन क्या आएगा c, तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहां हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वेयर प्लस वन, इधर क्या बचेगा बी स्क्वेयर, यहां बचेगा हमारे पास सी स्क्वेयर, यहां बचेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस वन सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस वन। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इन तो तीनों को प्लस करेंगे क्या आएगा वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसी तरह इसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही सेम आएगा। इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस वन सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा टेकिंग वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कॉमन फ्रॉम आर वन, आर वन में से हमने ये कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन वन वन, और बी स्क्वेयर प्लस वन बी स्क्वेयर ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने अप्लाई कर दिया कि नहीं बी दो को जीरो करने के लिए सी वन माइनस सी टू एंड सी टू माइनस सी थ्री, अप्लाई कर दिया सी वन माइनस सी टू जीरो हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस कर देंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी हमारे पास माइनस होगा, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस वन, इसमें से फिर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा वन बचेगा क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन आएगा, सी स्क्वेयर में सी स्क्वेयर जाएगा जीरो, इसी तरह इसको करेंगे माइनस वन, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, किससे एक्सपेंड कर देंगे लास्ट हमारे पास क्या है ए वन थ्री फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, माइनस वन की मल्टीप्लाई वन आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जीरो, वन की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा आपके पास, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट आंसर, लेट ए बी स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री, ए हमारे पास कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री की, देन के ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास के ए किसके इक्वल होगा,
अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी बी स्केयर मैट्रिक्स है और ऑर्डर हमारे पास उसका क्या है, एन क्रॉस एन, क्योंकि अगर स्केयर मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होंगे, तो इसलिए एन क्रॉस एन। देन तब हम अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास क्या आता है, के की पावर एन माइनस वन बी। अगर हमारे पास एन की वैल्यू, अब क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टी इसका यूज कर दिया, के और ए हमारे पास क्या दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, थ्री माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इनटू ए का डिटरमिनेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी तरह 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपका कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं डिटरमिनेंट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि डिटरमिनेंट तो क्या होता है, एक नंबर होता है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आता है, उसी को तो हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स, ये भी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स तो हमारे पास 2x2 की भी हो सकती है, 2x3 की भी हो सकती है, लेकिन उस पर तो हम डिटरमिनेंट अप्लाई नहीं कर सकते, हम डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमिनेंट इज ए नंबर, डिटरमिनेंट हमारे पास एक नंबर है जो एसोसिएट करता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट, थैंक यू।